ये हमारे पास टैब A7 है, ठीक है। अंदर इसके अंदर जो है पासवर्ड लगा हुआ है, इसका पासवर्ड रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो किस तरह इसका पासवर्ड को आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए केबल, तो जैसे पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पासवर्ड इसका पता नहीं है, तो पासवर्ड खोलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें केबल एंटर करनी है। केबल एंटर करने के बाद जो है वॉल्यूम अप और जो डाउन है दोनों प्रेस करके रखना है। तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों प्रेस करके रखना है। जैसे टैब होने जाए वॉल्यूम अप बटन दबा देना है, ठीक है। जैसे टैबलेट ऑफ हो जाए वॉल्यूम अप दबाना है और पावर बटन दबा के रखना है। जैसे ऑन हो जाए फिर अपने पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप दबा के रखना है। ये रिकवरी मोड पे आ गया, ठीक है। तो डाउन बटन से इसको नीचे लेके आएंगे और ये वाइब्रेट है, ठीक है। पावर बटन से वॉल्यूम जो है वाइब्रेट है इसको ओके करेंगे, ठीक है। डाउन बटन से नीचे लेके आएंगे फिर इसको फैक्ट्री सेट डाउन अब पावर बटन से करेंगे, फिर इसको रिमोट सिस्टम कर देना है। तो इसका जो पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे। नहीं आ रहा। तो ये ऑन में 304 मिनट लिए, ठीक है। तो इस पर जो है FRP लगी हुई है, तो इसकी FRP की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आप इसका चैनल पे हमारे जो है FRP की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे नहीं जा रहा है, इस पर FRP लगा, ठीक है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।